Hello everyone, I'm Kumal Pal from Shiv Eshwar Institute of Forensic Science and I'm here with my topic question document. So let us proceed. Question document stands for the document whose authenticity is in doubt. In forensic science, question document examination is the examination of documents potentially disputed in a court of law. Its primary purpose is to provide evidence about a suspicious or questionable document using scientific methods. क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी हम डाउट में होती है और उन ऐसे केसेस में हम उसे यूज़ करते हैं जिनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिनको हम कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज एविडेंस माइट इंक्लूड अल्टरेशंस द चेन ऑफ पोजिशन डैमेज टू द डॉक्यूमेंट फॉर्जरी ओरिजिन ऑथेंटिसिटी और अदर डॉक्यूमेंट्स दैट कम अप व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज चैलेंज्ड इन कोर्ट. द डिसिप्लिन इज नोन बाय मेनी नेम्स इंक्लूडिंग फॉर्जी डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन डिप्लोमेटिक्स हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन और हैंडराइटिंग एनालिसिस. ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर फॉर्जरी हो, चेन ऑफ पोजिशन हो, डैमेज हो किसी डॉक्यूमेंट को या जिसकी ऑथेंटिसिटी जिसका ओरिजिन ही डाउट में हो, उन्हें हम कोर्ट में ले जाते हैं और उनका जो एनालिसिस होता है वो फॉर्जरी डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन कहलाता है. हिस्ट्री ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट Osman is considered as a pioneer of the question document field because he published a book, Question Document. Result of his work and national attention, the question document field was included in many federal and state agencies. Basically, the tribute to the question documents goes to the Osman. He was the very first member to publish a book on question document and provided a nationwide known knowledge. Handwriting. That's the question document. The very first type of question document is handwriting. Handwriting analysis involves a comprehensive comparative analysis between a question document and known handwriting of a suspected writer. The specific habits, characteristics and individualities of both the question document and the known specimen are examined for similarities and differences. Basically, question documents बहुत सारे types के होते हैं, but जो commonly हमें evidence के तौर पर मिलता है वो होता है handwriting. Handwriting में mostly हम check करते हैं individual characteristics, class characteristics और कुछ जो special habits होती है किसी के लिखने की, वो हम उसमें analyze करते हैं. Next is erasers. ऐसा कोई भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कुछ प्री रिटन वैल्यूज थी या सेंटेंस था उस डॉक्यूमेंट में, उसको इलीगली या ये कह सकते हैं कि विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर उसको इरेज करना और उसकी वैल्यू को चेंज करना इज नोन एज इरेजर. ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनमें ऐसा कुछ हुआ उन्हें इरेज डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है. ऑल्ट्रेशंस एनी डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर इरेज पहले वाले डॉक्यूमेंट्स हम इरेज करते हैं इसके, और ऑल्ट्रेशंस में ये होता है कि जो कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कोई प्री रिटन वैल्यूज है या कोई प्री रिटन टेक्स्ट है उसके अंदर कुछ ऐड करके उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना या उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना आइदर विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर और इलीगली. ऑब्लिट्रेशंस इज टोटली डिफरेंट. इट इज कि जब आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का पूरी तरीके से उसे ख़राब करके उसे दोबारा से नया चीज़ लिखे जाना उसी पेपर के ऊपर विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर एंड इलीगली इज कंसिडर्ड ऑब्लिट्रेटेड डॉक्यूमेंट. रबर स्टैम्प. अपार्ट फ्रॉम राइटिंग्स एंड राइटिंग्स भी द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर ऑल्सो एग्जामिन्स द रबर स्टैम्प पेपर स्टैम्प्स. मेनली मैंने टाइम्स इट हैपन्स कि जब मोस्ट ऑफ दी केसेस ऑफ किडनेपिंग इट हैपन्स कि जब कोई किडनेपर कुछ लेटर्स वगैरह लिखता है तो उसके जो इंटरनेशन मार्क्स होते हैं वो पीछे वाले पेज पे रह जाते हैं, तो उन इंटरनेशन मार्क्स को रिकवर करना, उन इंटरनेशन मार्क्स को डेवलप करना भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर का काम होता है. फिंगरप्रिंट डेप्रेशन. अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशन मार्क्स एंड हैंड राइटिंग, फिंगरप्रिंट डेप्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन मेथड टू ऑथेंटिफाई अ डॉक्यूमेंट इन रूरल इंडिया. सो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो आज भी अपना फिंगरप्रिंट इंप्रेशन यूज़ करते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई देयर डॉक्यूमेंट्स. सो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनके अंदर हमें फिंगरप्रिंट इंप्रेशन को एनालाइज करना पड़ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ माइनूशियंस और फ्रिक्शन रिजेस, तो वो भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन का एक पार्ट होता है. नेक्स्ट इज सिग्नेचर. अब अर्बन एरियाज़ में सिग्नेचर्स का मोस्टली यूज़ होता है. सिग्नेचर्स मोस्टली कंसिस्टेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, सम स्पेशल हैबिट्स, सम वी कैन से सम स्पेशल हैबिट्स विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो एंड दिस अपार्ट फ्रॉम दिस स्पेशल हैबिट्स वी ऑल्सो हैव नेचुरल वेरिएशन रिगार्डिंग दिस. सो नेचुरल एनालिसिस ऑफ नेचुरल वेरिएशन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेशल हैबिट्स इन द सिग्नेचर इज कंसिडर्ड एज द मेन वर्क ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन ड्यूरिंग सिग्नेचर एनालिसिस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.